लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, मियां बीवी जां बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जहां बहक होने वालों की शनाख्त सुलेमान और नवीन के नाम से हुई है। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। आप अजीज जानते हैं हमारे नुमाइंदे वासिफ काजमी से। जी वासिफ, बताइएगा कि वाकया किस वक्त पेश आया और नामालूम अफराद की निशानदेही हो सकी है इस वक्त तक? जी, नस्तर कॉलोनी के इलाके में मियां बीवी को मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है और पुलिस इस हवाले से तफ्तीश कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर, लेकिन अभी कोई पुलिस की जानिब से कोई खत्मी बयान नहीं जारी किया गया है। अलबत्ता मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मियां बीवी का दूसरी शादी पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों की दूसरी शादी है और शोहर के तीन बच्चे और बीवी जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है, जबकि पहली बीवी के शोहर का ताल्लुक जो है निजी ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक के तौर पर बताया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि ये स्ट्राइक का वाकया है और इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस ने फ्रांसिक लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए नमूने फ्रांसिक लेबॉरेटरी में भिजवा दिए हैं और जैसे ही कोई पेशअप होती है और नमूनों के बाद तफ्तीश के जरिए पता चलेगा कि आया कि इस वाकये में किस तरह का वाकया है, ये कत्ल का वाकया है या खुदकुशी का वाकया है या किसी और मैयत का वाकया है। जी, पुलिस की तफ्तीश जारी है। वासी काजमी, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।